हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। स्वेटर, लेडी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, बेबीज ब्लैंकेट, किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। रॉन्ग साइड पर ऐसे दिखता है ये डिज़ाइन। जस्ट 16 रोज का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 8 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 1 प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 1 प्लस 2। इसमें मैंने 8 मल्टीपल करके 16 प्लस 1 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 19 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ स्लिप पैटर्न स्टार्ट करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, एक फंदा सीधा, फिर 5 फंदा उल्टा, 2 4 5, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। आपको यही रिपीट करना है। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा को पीछे करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। यहाँ से यहाँ तक 2 डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा, धागा पीछे, लास्ट का 2 फंदा सीधा, 1 2। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो, सेकेंड रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, धागा पीछे, धागा को आगे रखना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा आगे, लास्ट में आपको 2 फंदा बचेगा, 2 फंदा उल्टा, 1 2। सेकेंड रो भी सीधा पे सीधा उल्टा पुल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो, थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, एक फंदा सीधा, अब 1 2 3 4 5, 5 फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टी की साइड से, धागा को आगे करना है, फिर 5 फंदों में से एक फंदा बनाना है। धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर एक फंदा में से 5 फंदा निकालना इस तरह से, 1 यार्न ओवर 2, फिर इसी ओर में नीडल डालना है, 3, फिर यार्न ओवर 4, फिर इसी ओर में नीडल डालना है, 5, एक फंदा में से 5 फंदा हो गया, 2 4 5। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, एक फंदा सीधा, फिर 5 फंदों को एक फंदा बनाया, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा को 5 फंदा निकाला, 2 4 5। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, अब 1 2 3 4 5, 5 फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टी की साइड से, 3 4 5, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा,
धागा आ गए। अब एक फंदा में से पांच फंदा निकालना है। एक यान ऊपर दो, फिर इसी ओर मनी डालना है। तीन यान ऊपर चार, फिर इसी ओर मनी डालना है। पांच, एक फंदा में से पांच फंदा हो गए। दो तीन चार पांच, यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा पीछे, लास्ट का दो फंदा सीधा। एक दो, थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो, फोर रो सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, अब एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब एक फंदा में से पांच फंदा निकाला हुआ फंदा को सीधा बुनना है, पांच फंदा सीधा। एक दो तीन चार पाँच, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा। एक दो तीन चार पाँच, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, लास्ट का दो फंदा उल्टा। एक दो, फोर रो भी सीधा पे सीधा उल्टा पुल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो, फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा। एक दो तीन चार पाँच, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, पांच फंदा उल्टा, दो चार पाँच। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा। एक दो तीन चार पाँच, यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा पीछे, लास्ट का दो फंदा सीधा। एक दो, फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सिक्स रो, सिक्स रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा। एक दो तीन चार पाँच, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, सॉरी पांच फंदा सीधा। एक दो तीन चार पाँच, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, लास्ट का दो फंदा उल्टा। एक दो, सिक्स रो भी सीधा पे सीधा उल्टा पुल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। सेवन रो, सेवन रो रो फाइव के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा। एक दो तीन चार पाँच, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, पांच फंदा उल्टा, दो चार पाँच। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा को पीछे करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा।
एक दो तीन चार पाँच, यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा पीछे, लास्ट का दो फंदा सीधा, एक दो, सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब एट रो, एट रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, लास्ट का दो फंदा उल्टा, एक दो। एट रो भी सीधा पे सीधा उल्टा पुल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब नाइन रो, नाइन रो भी रो फाइव रो सेवन के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, पांच फंदा उल्टा, दो चार पाँच। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा पीछे, लास्ट का दो फंदा सीधा, एक दो। नाइन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब टेन रो, टेन रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, सॉरी, पांच फंदा सीधा, दो तीन चार पाँच, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, लास्ट का दो फंदा उल्टा, एक दो। टेन रो भी सीधा उल्टा पुल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। इलेवन रो, इलेवन रो में अब ये डिजाइन को आप यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर इलेवन रो, इलेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, अभी एक फंदों में से पांच फंदा निकालना है। इस तरह से धागा को आगे करना है, एक यानो बर दो, फिर इसी ओर में नीडल डालना है, तीन यानो बर चार, फिर इसी ओर में नीडल डालना है, पांच। एक फंदों में से पांच फंदा गया, दो चार पांच, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, अबे दो चार ए पाँच, ए पाँच फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टी की साइड से, एक दो तीन चार पाँच। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा में से पांच फंदा निकाला, दो चार पाँच, फिर एक फंदा सीधा, फिर पांच फंदा को एक फंदा बनाया।
आपको यही रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे, अब ये एक फंदा में से पांच फंदा निकालना है, एक यानो भर दो, फिर इसी ओर में निरल डालना है, तीन यानो भर चार, फिर इसी ओर में निरल डालना है पांच, एक फंदा में से पांच फंदा हो गया, धागा पीछे फिर एक फंदा सीधा, धागा आगे, अब ये पांच फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टी की साइड से, दो तीन चार पाँच, यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा पीछे लास्ट का दो फंदा सीधा, एक दो, 11 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब टू बेल रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब ये एक फंदों में से पांच फंदा निकाला हुआ फंदा को सीधा बुनना है, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, धागा आगे लास्ट का दो फंदा उल्टा, एक दो, टू बेल रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप 13 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको यही रिपीट करना है बार बार, एक फंदा सीधा पांच फंदा उल्टा, दो चार पाँच, फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, आपको यही रिपीट करना है, धागा पीछे यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन खत्म हुआ है, लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा पीछे लास्ट का दो फंदा सीधा, एक दो, 13 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 14 रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, धागा आगे लास्ट का दो फंदा उल्टा, एक दो, 14 रो भी सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 15 रो रो 13 के जैसा ही बुनना है, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, एक फंदा सीधा, धागा आगे पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, आपको रिपीट करना है बार बार, एक फंदा सीधा पांच फंदा उल्टा, दो चार पाँच, फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा पीछे एक फंदा सीधा,
धागा आगे पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा। यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन ख़त्म हुआ है, लास्ट में आपको दो फंदा बचेगा, धागा पीछे लास्ट का दो फंदा सीधा, एक दो। 15 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 16 रो, 16 रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पांच, धागा आगे लास्ट का दो फंदा उल्टा, एक दो। 16 रो भी सीधा पे सीधा उल्टा पुल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिज़ाइन सब 16 रोज का है, 16 रोज में ऐसा डिज़ाइन बन के आएगा। अब फिर से रो 1 से 16 तक रिपीट करके जाना है, जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिज़ाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।